शब्द रूप और धातु रूपों को आप जब याद कर लेंगे उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी करने के लिए। तो अभी दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, बालिका प्रश्न पश्यति, बालिका प्रश्नों को देख रही है। तो इधर हम देखेंगे हिंदी बनाएंगे तो बालिका के द्वारा प्रश्नों को देखा जा रहा है। तो जैसे आपका गया बालिका, बालिका है प्रथम व्यक्ति के एक वचन में, इसको जब बदलेंगे हम तो क्या आएगा, तीसरी व्यक्ति के एक वचन में आएगा बालिकया। ठीक है जी। अब कर्म में आपको बताया मैंने कर्म में द्वितीय होती है, तो कर्म में हम भी द्वितीय से पहली में आ जाएगा, ये प्रश्न प्रश्न प्रश्नानि, तो वैसे ही प्रश्न प्रश्न प्रश्नानि, तो इसमें प्रश्न ही रहा। और हाँ ये गलती होती है, ये हम पश्यते लिख लेते हैं मैक्सिमम, तो क्या करेंगे इधर, ये दृश्य धातु है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दृश्यते ना कि पश्यते, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात होती है, इसलिए उदाहरण मैंने ऐसे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा उदाहरण, लता फलानि खादति, लता फलानि खादति, तो इसका जैसे कि हमने लता, लता तीसरी व्यक्ति के एक वचन में आया लतया, लतया और फलानि, फलानि में दूसरी व्यक्ति का बहुवचन है फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो इसको पहली व्यक्ति में क्या तो गया, गया? फलानि। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आ गया खाद्यंते, ये क्यों है, अगर आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा, जैसे लता फलों को खाती है, जब हम इसकी वाच्य परिवर्तन करेंगे हिंदी भाषा में तो क्या बनेगा, लता के द्वारा फल फलों को यानी फल खाए जाते हैं, लता के द्वारा फल खाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर्मवाच्य आ गया एक तरीके से, इसमें कर्म के आधार पर आपकी क्रिया बदल गई खाद्यंते, जब भी आप हिंदी कर लेंगे आपको एकदम से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जो हम गड़बड़ी करते हैं एक और, अहम त्वाम कथयामि, अहम तो अहम अस्म शब्द रूप है, अहम आ गया तो अहम का तृतीय व्यक्ति के इस अस्म शब्द रूप के तृतीय का एक वचन बनेगा मया, मया त्वाम, अब ये त्वाम है वचन तो त्वाम आ गया, ये दूसरी व्यक्ति में है एक वचन में, तो इसका बन गया आपका प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या आ गया इसमें शब्द रूप के त्वम, मया त्वम। और अंत में एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी त्वम आ गया ना तो आपका दिमाग ठनक जाना चाहिए, अर्थात यहाँ पर कथ्यते नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कथ्य से, क्योंकि आपको पता है त्वम के साथ पठसी ही आता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। ये कुछ वाक्य ऐसे हैं जो बिल्कुल आप गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतिम हमारा, ये भी थोड़ा सा अलग है, स माम कथयति, स माम कथयति, तो स को तत्शब्द रूप है, तृतीय व्यक्ति का एक वचन आएगा तेन, तेन माम, माम आ गया द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, तो इसमें जब हम बदला अस्म शब्द रूप को, जब हमने बदला इसको प्रथम व्यक्ति के एक वचन, तो क्या आ गया अहम, ते अहम, और अंत में देख लीजिए आप यहाँ पर भी कथ्यते नहीं हुआ, यहाँ पर आ गया कथ्य। बस इन दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको पहले बता दिया मैंने ये मध्यम पुरुष में आता है और ये आपका आता है उत्तम पुरुष में, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए। ये कुछ चुनिंदा उदाहरण रखे थे आपके सामने, उम्मीद है आपको ये वाच्य परिवर्तन समझ में आए होंगे, आप जरूर व्याकरण की सहायता से इनको समझने का भी प्रयास करें, और उम्मीद है आप जल्द से जल्द वाच्य परिवर्तन सीख जाएंगे, जैसे आपने आंग्ल भाषा में सीखे तो संस्कृत भाषा में जरूर सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।